एक तत्वज्ञ अपने मन से कहता है, अरे मन एक काम की बात सुन। काम की बात का अभिप्राय क्या है, मतलब की बात, स्वार्थ की बात, तो विश्व का प्रत्येक जीव जो भी वर्क करता है स्वार्थ को लक्ष्य में रखकर ही करता है, ही ये सिद्धांत है। जब तक जीव का स्वार्थ सिद्ध न हो जाएगा, अर्थात अनंत अपरिमेय अपौरुषेय दिव्यानंद न मिल जाएगा, तब तक कोई भी जीव कोई भी वर्क करेगा, वो वर्क मेंटल हो, फिजिकल हो, कोई वर्क हो, वो केवल स्वार्थ के लिए ही करेगा। ये अकाट्य नियम, इस नियम को भूलिएगा नहीं। आप लोग तो डेली भूल जाते हैं और ऐसा समझ बैठते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे लिए ये अमुक काम कर रहा है, किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। यह सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सदा साथ रखने का है। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, कोई हो विश्व का, तो सभी जीव स्वार्थ के लिए ही वर्क करते हैं। जब ये नियम है तो फिर काम की बात सुनने को आप क्यों कहते हैं? सभी काम की बात सुन रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, स्वार्थ के लिए तो सभी प्रयत्न कर रहे हैं, ये सही है, लेकिन किसी का स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, या इन्हें गिने महापुरुषों का ही स्वार्थ सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध होता है कि हमने जितनी बातें अब तक सुनी अनादिकाल से अब तक अनंत जन्मों में, वो हमारे काम की बात नहीं थी। अर्थात हमारी स्वार्थ सिद्धि वाली बात नहीं थी। आत्मा का जो एम है परमात्मा आनंद प्राप्त करना, इस सिद्धांत की बात हमने नहीं सुनी अब तक। संसार को प्राप्त करके परमानंद मिलेगा, इस सिद्धांत की बात सुनी, तो ये काम की बात तो हुई नहीं। कोई व्यक्ति चूने के पानी को मथे कि इससे मक्खन निकलेगा, तो भला मक्खन कैसे निकलेगा जब उस चूने के पानी में मक्खन है ही नहीं, वो तो दूध में होता है। ऐसे ही हम संसार से परमानंद चाहते हैं और संसार में आनंद है ही नहीं, इसलिए हमने संसार की प्राप्ति का जो जो साधन सुना या किया सब गलत हो गया, उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। इससे यह निर्णय निकला कि हमने अनादिकाल से अब तक काम की बात नहीं सुनी। सुनते तो रहते ही अनादिकाल से अब तक प्रत्येक जन्म में अनंत बात सुनी, लेकिन सब संसारी वस्तुओं के पाने की बात सुनी। जो जी हम ये कैसे मान ले कि अनादिकाल से अब तक हमने संसारी वस्तुओं की प्राप्ति की ही बात सुनी? अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार हम मानव भी बन चुके, मानव देह प्राप्त कर चुके, तो अनंत बार संत भी मिले होंगे, अनंत बार भगवान के अवतार भी हुए होंगे, और अनंत बार हमने संतों की वाणी सुनी होगी, भगवान के प्रवचन भी सुने होंगे, वेदों
शास्त्रों पुराणों के सिद्धांत भी सुने होंगे, जैसे आज सुन रहे हैं ऐसे ही अनंत बार पहले भी सुन चुके होंगे। आप ये कैसे कहते हैं कि संसार के विषय की ही बात हमने अब तक सुनी? हाँ सही सुना, अनंत बार सुना, सुनाया भी है, वेदों के सिद्धांत को सुनाया भी है, महापुरुषों से सुना समझा फिर लोगों को सुनाया, यहां तक हो चुका है। फिर आप नई बात क्या कहने जा रहे हैं? एक काम की बात, ये तो अनंत बार सुन चुके हैं। हाँ लेकिन क्या हुआ है? सुनकर अनसुना कर दिया। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, अनंत बार सुना और उस समय माना, समझ में भी आया लेकिन अनसुना कर दिया। दो प्रकार का सुनना होता है, एक सुनकर तदनुसार प्रैक्टिकल वर्क करे और एक सुनकर उसकी उपेक्षा कर दे, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको न ढाले, क्रियात्मक स्वरूप न दे। वहां मत जाना, गोली चल रही है, सुना? हाँ सुना। ये रमेश ने सुरेश से कहा, लेकिन सुरेश ने कहा वो खा मखा कह रहे हैं कि वहां मत जाना। अरे गोली कहीं यहां वहां चल रही होगी, हमको जाएंगे, और गया और गोली लग गई। यानी सुना लेकिन सुनकर अनसुना कर दिया, क्रियात्मक रूप नहीं दिया, उसके विपरीत वर्क किया और दंड मिला। तो उसी प्रकार हमने महापुरुषों की वाणी सुनी, फिर अपनी मीटिंग में, अपने भाइयों की मीटिंग में चर्चा की, वो महात्मा जी आए थे ना, हाँ उन्होंने ऐसा बताया, हाँ बात ठीक कहा, लेकिन ऐसा है कि अपन लोग गृहस्थी हैं, कोई बाबा थोड़े। वो कहते हैं कि खाने पीने में संयम रखो, आंख के विषय में संयम रखो, कान के विषय में संयम रखो, किसी की निंदा न सुनो, निंदा न करो, हर इंद्रिय के सब्जेक्ट को संभालो, मन को भगवान में लगाओ। ये तो साहब ऐसा है कि बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन भाई ऐसा है कि बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी जल्दी क्या। और फिर साहब देखो जो भाग्य में होगा तो अपने आप हो जाए। तीसरा कहता है साहब समय आएगा तो करा लेगा। चौथा कहता है कि भगवान की दया होगी तो अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार मीटिंग करके हम लोगों ने वो सुना अनसुना कर दिया और प्रैक्टिकल हमारा जीवन संसार संबंधी रहा। इसलिए यहां लेखक सबसे पहला पहले कहता है सुनो मन, सुनो कान नहीं। अरे कान ने तो अनंत बार सुना, कान का सुना काम नहीं देगा, अगर मन सुन ले तो काम बन जाए। इसलिए हेडिंग है सुनो मन, आए मन तू सुन, अर्थात मान एक काम की बात बता रहे। एक बात यहीं पर और समझ लीजिए, ये जो सुनना है, इस सुनने के विषय में हमारे यहां वेद वेदांत कहते हैं आवृत्ति रसक उपदेशा,
ये जो हम लोगों को भ्रम होता है, ये तो मैं सुना, ये तो मैं जानता हूं, ये बहुत बड़ी भूल है। देखिए, वेद में, गीता में, रामायण में, अगर कोई व्यक्ति न्यूट्रल होकर के इन ग्रंथों को पढ़े तो ये पाएगा कि इतना बड़ा ग्रंथ बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये सब विचित्र लोग हैं जी, इतना बड़ा पोथा बना दिए। 1,00,000 श्लोक का एक ग्रंथ महाभारत आज भी है। 1,00,000 के श्लोक के मैटर को 100 श्लोक में कोई भी विद्वान रख सकता है। निरर्थक 1,00,000 श्लोक लिखे। क्या निरर्थक है उसमें? निरर्थक ये कि एक ही बात को 25 बार लिखा, 50 बार लिखा, 100 बार लिखा। हर ग्रंथ में, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, वेद हो, एक पॉइंट को, जैसे आत्मा नित्य है, इस एक बात को हजारों वेद मंत्र में, सैकड़ों गीता के श्लोक में, सैकड़ों चौपाइयों में बार 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 बार। अब कोई पूछे कि इन लोगों का दिमाग खराब है क्या? ये तो दोष है बार 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 किसी बात को दोहराना। इसका मतलब उनकी मेमोरी बड़ी खराब थी, जो एक बात को लिखा और फिर भूल गए होंगे तो दोबारा फिर लिख दिया, फिर भूल गए तो तेबारा फिर लिख दिया। ऐसा क्यों? नहीं, भूल नहीं गए, इसलिए बार बार लिखा कि इसके मस्तिष्क में यह बात बैठ जाए। तो इसके लिए एक ब्रह्म सूत्र बना दिया गया कि आवृत्ति रसकृत उपदेशार्थ। देखो, उपदेश बार बार सुनो, बार बार सुनो। उसमें दो बातें, बार बार सुनने से एक तो पक्का होगा, क्योंकि श्रोतव्य मंतव्य, वेद कहता है सुनने के बाद उसका मनन करो, यानी मन से चिंतन का रिविजन करो। तो वो तो हम लोग करते नहीं, टाइम नहीं, केयर नहीं। तो अगर बार बार सुनेंगे तो उतनी देर तो चिंतन होगा। एक तो ये प्रत्यक्ष लाभ है बार बार सुनने का। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग जिस समय सुनते हैं कोई शास्त्र वेद का उपदेश, देखिए मेरे एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधान होकर। आप लोग समझते तो हैं कि हम समझ रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि आप समझ रहे हैं, यही हम में आप में झगड़ा है। अब हमारा कंफ्यूजन होगा वो बात अलग है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है, हम जिस समय महापुरुषों का उपदेश सुनते हैं उस समय हमारी चित्त वृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से हम उपदेश को ग्रहण करते हैं। अगर उस समय हमारी श्रद्धा, हमारी रुचि 50% है तो वो उपदेश 50% काम करेगा। अगर वो 80% है तो 80% उसका लाभ मिलेगा। और अगर 100% हमारी श्रद्धा उस समय है तो एक ही उपदेश में हम पार हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं
इतना बड़ा पापी था वाल्मीकि। उसके गुरु ने कहा राम कहो, राम राम राम, ध्यानवान तो तुम क्या करोगे, खाली मुंह से बोलो राम राम राम, वो राम नहीं बोल सकता। आज 5 अरब आदमी में ऐसा कोई पापी है? इम्पॉसिबल। या तो गूंगा होगा कि भाई वो राम क्या हो, काम भी नहीं बोल सकता, ग्राम भी नहीं बोल सकता। अगर काखा गाघा कोई बोल सकता है तो वो बात क्या है कि राम नहीं बोल सकता। और अगर कहो कि रा और मा बोलने में उसके गले में कोई दोष होगा तो ये बात भी नहीं, क्योंकि मरा तो बोल रहा। रा और मा इन दो अक्षरों का उच्चारण तो कर रहा है लेकिन उल्टा कर सकता है, सीधा नहीं कर सकता। ये पाप है, इसका कारण गले का दोष नहीं, बुद्धि का दोष नहीं, वो नॉर्मल आदमी। लेकिन ध्यान दीजिए, जब गुरु ने उपदेश दिया कि तुम हमारी आज्ञा मानोगे, हाँ गुरु जी मैंने देख लिया संसार क्या है, मैंने अपनी श्रीमती से पूछा कि मैंने इतनी हत्याएं की हैं तुम्हारे पेट पालने के लिए, तुम लोग पाप में शरीक होगी? सबने जवाब दे दिया कि हम पाप में शरीक नहीं होंगे। तुमने विवाह के समय यह प्रतिज्ञा नहीं थी कि हम मर्डर करके तुम्हारा पेट भरेंगे। सब स्वार्थी है। ये जो वैराग्य उसको हुआ और उस वैराग्य से जो श्रद्धा उत्पन्न हुई वो टॉप की हुई, उसकी लिमिट बड़ी पावरफुल थी। इसलिए जब गुरु ने यह उपदेश दिया, अच्छा तुम मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट के ना आऊं, ठीक है? हाँ गुरु जी। ये मरा मरा क्यों कहूं, इन्हें पूछा आप लौट के कब आएंगे, इन्हें पूछा नमन में सोचा, इतनी बड़ी श्रद्धा, ये असली सुनना है, इसको सुनना कहते हैं। तो किस समय हमारी चित्त वृत्ति की भूख कितनी है ये तो हम तो जान नहीं सकते। अगर हम बार बार सुनते रहेंगे तो क्या पता किसी समय हमारी चित्त वृत्ति बहुत अच्छी क्लास की हो और अच्छे क्लास की चित्त वृत्ति में वो उपदेश पड़े। तो जैसे कोई बीज होता है गेहूं का, चना का, अगर अच्छी मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में डाल दिया जाए, उसमें सब खाद और सब चीजें ठीक ठीक पड़ जाए तो वो 3 दिन में अंकुर पैदा हो जाता है। और अगर वही बीज ऊसर में डाल दिया जाए तो वो बीज ही नष्ट हो जाता है, उससे अंकुर पैदा ही नहीं होता। न मलिन चेतस्युपदेश प्ररोहो जवत। हमारे यहां शास्त्र कहते हैं कि उसमें फिर उपदेश का प्ररोह माने अंकुर नहीं पैदा होता। तो चूंकि हमारी चित्त वृत्ति परिवर्तनशील है, बार बार बदल रही है, इसलिए बार बार हम सुने तो क्या पता किस समय का सुनना कितना काम कर जाए। बहुत पुरानी बात है, मैं अपनी लाइफ की बता रहा हूं, लगभग 45 साल पुरानी बात है। मैं मथुरा में एक जज के यहां ठहरा हुआ था, गेम्पियर नगर में। जज साहब श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे तो उनके यहां में जब दादा ठहर जाया करता था। उन्हीं के सगे भाई कलेक्टर थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि मैं उनके यहां ठहरा था और कलेक्टर साहब भी वहीं आ गए। और वो कलेक्टर साहब प्रकांड विरोधी, दो भाई में इतना बड़ा अंतर, संत नाम सुना कि उनको आग लग गई। बाबा संत महात्मा साधु,
ये सब उनके कान में न पड़े। सत्भोगी होते हैं, बदमाश होते हैं, लोफर होते हैं, इतनी गाली बकते थे। लेकिन ये जस साहब बड़े भाई थे, रिटायर हो गए थे, तो उनके यहां वो आई गए अचानक, हम वहां पहले से उपस्थित थे, तो अब क्या करते। बहुत ही चटक मटक के साथ अंदर गुस्सा भरे हुए कि ये क्या भाई साहब चक्कर में पड़े हैं बाबाओं। और फिर बाबा भी क्या, उस समय हमारी उम्र ही क्या थी, और कोई बाबा की ड्रेस भी नहीं, जगत गुरु भी नहीं थे, कुछ बाल वाल भी नहीं थे, ऐसे जैसे आप लोग रहते हैं ऐसे ही कपड़े पहनते थे, ऐसे ही, और इतने अलूल जलूल व्यवहार करते थे कि आप लोग उस समय की लाइफ को अगर कहीं सुने हो तो आइडिया लगा सकते हैं। कोई नियम संयम कुछ नहीं, खा रहे हैं 50 रोटी खा गए, नहीं खाया 10 दिन तक नहीं खाया, सब अंड बंड व्यवहार, और अपने हाथ से भी नहीं खाते थे, जो जितना खिला दे हमारे मुंह में ठूसता जाए उतना खा लिया चुटकी, एक कपड़ा नहीं पहनने को हमारे साथ। आपके यहां गए, आपके कपड़े पहन लिए, धोती नहीं है तो पजामा पहन लिया, नहीं लेडीज धोती पहन लिया, ये हाल थे हमारे। तो वो कलेक्टर साहब, हम बोल रहे थे ऐसे प्राइवेट, कोई स्पीच नहीं, कुछ समझा रहे थे, 25-30 आदमी थे, वो कलेक्टर साहब बरांडे में घूम रहे थे गुस्से में, लेकिन कान में पड़ रहा था, सुनते जा रहे। वो धीरे 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 वो गुस्सा कम होता गया, और उनको ऐसी फील हुई कि बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट करते हैं, उम्र तो कुछ नहीं है लेकिन बात तो बड़ी योग्यता की कर रहे हैं, जरा खड़े होकर सुनने लगे। और एक चांस की बात है कि तो 2.5 घंटे हम बोलते रहे, हमारा बोलना भी उस जमाने में ऐसे था। एक बार हम शाम को 8 बजे बोलना शुरू किया तो सवेरे 4 बजे तक बोले, सब सो गए और आंख बंद करके बोलते थे उस जमाने में, कौन चला गया कौन सो गया या सब चले गए, हमको इससे मतलब नहीं, आंख बंद करके बोलते जा रहे हैं पागल फरी। तो सन 55 से जब चित्रकूट में सम्मेलन हुआ है तब से आंख खोल के बोलना शुरू किया हमने। तो उसके बाद थोड़ा कीर्तन वगैरह हुआ, फिर 12 बजे रात को सब जाने लगे, तो सब ने प्रणाम प्रणाम किया जैसा करते हैं सत्संगी लोग। तो कलेक्टर साहब भी आए सबके बाद में प्रणाम करने, तो हम उनकी तरफ खास तौर से देख रहे थे, क्योंकि हमको मैं पता दिया संजय साहब ने कि महाराज जी ऐसा बदतमीज है, ये बहुत गाली बकते थे, राक्षस पैदा हुआ है, हमारा भाई है क्या कहे। तो जब वो पैर छूने लगे तो हंसी मजाक में ऐसे ही मैंने पैर छू लिए, तो कहते हैं अरे स्वामी जी आप हमें क्यों नरक में डालते हैं, आप तो त्यागी हैं। तो हमने कहा भाई देखो हम त्यागी हैं, अगर तुम्हारा कहना ठीक भी है तो हमने क्या छोड़ा है, संसार, और संसार तो सबको छोड़ना पड़ेगा एक दिन, अगर तुम ऐसे त्यागी नहीं बनते तो जबरदस्ती जबरात त्यागी बनाएगा। अरे त्यागी तो सबको बनना पड़ेगा, कौन ऐसा विश्व में पैदा हुआ है जो कहे कि मैं त्याग नहीं कर सकता संसार का। लेकिन आपका कमाल है कि आपने भगवान को भी त्याग रखा है, तो वो कौन सी पावर है आपके पास जिसके बल पर आपने भगवान को त्याग दिया। मैंने तो भगवान के अवलंब के लिए संसार का त्याग किया, जिसका त्याग होना ही है वैसे भी होगा, तो ही सजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पछताई है अवसर बीते। तो महात्माओं के वाक्य है, अरे छोड़ नहीं है वो, तो सीधे नहीं छोड़ोगे तो टेढ़े को छोड़ना पड़ेगा एक दिन। बड़े बड़े आए
सिकंदर वगैरह आपने नाम सुने होंगे और बड़ी लूटमार की, लेकिन जाना सबको है, छोड़ना सबको है, शरीर तक छोड़ना है, बाकी बाहरी चीज को कौन कहे। तो ये हमारा हंसी मजाक का वाक्य इतना असर कर गया कि वो मेरे ऊपर ऐसा गिर पड़ा जैसे किसी ने पटका हो किसी को और फूट फूट के रोने लगा। कहने का तात्पर्य ये कि वो जज साहब से भी आगे निकल गया। अब ये देखिए वही व्यक्ति है, लेकिन आज उसकी चित्त वृत्ति पर इस उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा। तो बार बार सुनने से ये हमारा मन किस समय कितनी मात्रा में उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करे, ये मेन बात है। बहुत सी बातें हमारे घर में होती हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति से किसी ने कुछ कह दिया कड़ी बात भी हम लोग हंस देते हैं, और कभी कभी वैसी ही बात सुन करके ऐसा वो लग जाता है हृदय में वज्रपात सरीखा कि उसका चिंतन करते हैं, फिर उसकी खिलाफत करते हैं, फिर क्या क्या नहीं कर डालते। हमने कई आत्महत्याओं का हाल सुना है प्रत्यक्ष उनके घर वालों से, सुनकर आश्चर्य हो किसने आत्महत्या क्यों किया। वो कुछ नहीं, वो बात एक इतनी छोटी सी बात हुई थी और बस कर ली। तो चिंतन कर 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 करके वो इतनी बड़ी अवस्था में पहुंच गया कि संसार से ही समाप्त कर लिया अपने। तो इसलिए उपदेश बार बार सुनते रहना चाहिए। पता नहीं किस समय हमारा वो आधार, हमारा वो बर्तन, हमारा वो खेत बढ़िया हो और उस समय वो बीज जाए और अंकुर पैदा हो जाए और हमारा काम बन जाए। समय समय की बात होती है, इसलिए शास्त्र वेद कहते हैं आवृत रसकृत उपदेशात, बार बार सुनो। इसलिए लेखक कहता है सुनो मन एक काम की बात, अगर तुमने मन से भी सुना है ये भी मान ले तो ठीक ठीक नहीं सुना, इसलिए फिर सुनो। तो कई प्रकार का सुनना हो गया ना, एक तो कान से सुना। बहुत से बेपढ़े लिखे और हमेशा सत्संग करने वाले आपको मिले होंगे, कोई ऐसे जो कोई बाबा आवे वो चाहे भगवान को गाली दे, चाहे भगवान की तारीफ करे, चाहे निराकारवादी हो, साकारवादी हो, कोई बागवादी हो, ओ भाई वो हरि कुंज में लेक्चर होता है, मैं तो रोज जाता। अरे गुल्लक कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अपन को इससे मतलब नहीं, कान में पड़ता है तो कान पवित्र हो रहा है, कान पवित्र हो रहा है। और संत के दर्शन करने जा रहे हैं आंख पवित्र हो रही है, और तीर्थों में जा रहे हैं तो पैर पवित्र हो रहा है, ये सब तो पवित्र हो गए और मन वही का वही रहा। ऐसे बोलने वाले लोग हैं। तो ये सुनना तो घोर मूर्खों का है। दूसरा सुनना वो है जिसमें मन से सुना और माना भी, लेकिन उतनी देर जब तक सुना उसके बाद लेकिन लगा दिया, ये बात बिल्कुल ठीक कहते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा तत्व ज्ञान है, सरस्वती सिद्ध है इनको, भगवान बोल रहे हैं ऐसा लगता है, और लेकिन ऐसा है कि अपन को तो ये करना है। एक सुनना ये है, और एक सुनना ऐसा है जिसमें हम प्रैक्टिकल चलते हैं लेकिन स्पीड कम होती है, अब उसमें हजारों प्रयास है। तो जब ठीक ठीक हमारा अंतःकरण जिस पोजीशन में चाहिए उस समय हो और उपदेश भी उसी समय हमको मिल जाए तो फिर हमारा काम बन जाए। इसलिए हमको तब तक सुनना पड़ेगा जब तक काम न बन जाए। तब तक आप लोग कभी एक क्षण को भी न सोचिएगा, अरे हम सब जानते हैं। जानने का मतलब ये होता है जो सदा साथ रहे ज्ञान,
विस्मरण न हो। जैसे आप अपने आप को जानते हैं, हाँ, क्या जानते हैं? यही कि मैं हूं वही मैं हूं जो वहां बंबई में था उस तारीख को, वही मैं हूं जो वो जबलपुर में गया था, वही मैं हूं जो कल यहाँ सत्संग भवन में था, वही मैं हूं जो रात को सोया था इतने बजे, वही मैं हर समय मैं की फीलिंग आपको निरंतर होगी। इसी प्रकार आपको फीलिंग अगर हो तत्व ज्ञान की, गुरु ज्ञान की, सदा साथ रहे वो, तब समझो कि आपने उस उपदेश को सुना सही सही, यानी माना। और थोड़ी देर के लिए सुना या माना और फिर उसको भुला दिया तो फिर कहां माना उसको? तो लोग पागल कहते हैं कि ये साहब ऐसा है कि ये जरा अजीब ढंग का पागल है। तो एक बार नेहरू जेल में गए तो एक पागलों का इंचार्ज बनाया गया था, वो कम पागल था। तो उससे नेहरू ने पूछा, तुम तुम्हारा क्या नाम? राम बताया। तुम कितना पढ़े लिखे हो? बताया उसने। तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ? वही बताया। तो जेलर से कहा कि इसे क्यों बंद कर रखा था, कि तो बिल्कुल ठीक है, इसे क्यों बंद कर दिया जेल पागलखाने में? तो जेलर ने कहा, हुजूर कुछ ऐसे ही है, थोड़ा सा गड़बड़ है। तो जेलर से कहता है पागल, आपकी तारीफ। नेहरू के लिए कहता है, आपकी तारीफ। तो नेहरू ने कहा, मैं पंडित नेहरू हूं। अच्छा, ये सामने एक पेशेंट है, वो अपने को गांधी कहता है, तो उसी के बगल में इनको भी ले चलो जेलर साहब, ये अपने को नेहरू कहते हैं। तो जेलर ने कहा कि सुना, ये ऐसे ही पागल है, ठीक रहता है एकदम पागल हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, ऐसा पागल है। ऐसे ही पागल हम लोग, गुरु जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और हमको तो सब कुछ मिल गया, बड़ी भगवत कृपा, बड़ा बड़ा बड़ा, उसके बाद फिर अपना संसार आ गया, सब भूल भाल गए। तो उपदेश सुनने के अनेक स्तर हैं। ये कृपालु अपने मन से कहता है कि अरे मन, काम की बात सुन, 100% सुन, यानी मान। अच्छा चलो भाई सुनेंगे, तमाम भूमिका में टाइम समाप्त हो गया। हाँ क्या काम की बात है बोलो, मतलब की बात करो भाई। मतलब की बात यह है कि हमारे यहां वेद में, शास्त्र में, पुराण में, हर ग्रंथ में और संसार में सर्वत्र दो तरह की बात सुनने को मिलती है। एक तो ये कि कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करो तब काम बने, हाँ। और एक ये सुनने को मिलता है कि देखो जी, भगवान की उपासना करने से पर ही कामनाएं जाएंगी, इसलिए उपासना करो, कामना चली जाएगी। तो हम कामना छोड़ के उपासना करें या उपासना करें इससे कामना चली जाएगी, दोनों में क्या सही है? और हजारों कोटेशन से मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, संक्षेप में आप समझ लीजिए, उपासते पुरुषम ये यकामा, वेद कहता है कि कामनाओं को छोड़कर जो भगवान की उपासना करते हैं वे इस माया से उत्तीर्ण हो जाते हैं और कोई नहीं। उपासते पुरुषम, जो भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन यह कामना छोड़कर, सारे दुख की जननी कामना है, ये तो आप लोग भी जानते हैं कॉमन सेंस से। अगर इच्छा न हो, देखो जब आप गहरी नींद में सोते हैं, ध्यान दीजिए, गहरी नींद में, स्वप्न में नहीं, जब सपना देखते हैं तब तो आप दुखी होते हैं,
क्योंकि वहां कामना रहती है, जैसे जागृत में कामना ऐसे स्वप्न में कामना। लेकिन जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो उस समय क्या रहता है, कोई कामना नहीं रहती, बस यही इसी पोजीशन का नाम है सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद। तो आप जागने पर कितना हल्का महसूस करते हैं अपने आप को, बड़ा आनंद आया, ऐसी बढ़िया नींद आई, क्या नींद आई बढ़िया, इसके पहले भी तो नींद आई थी 2 घंटे, अरे हाँ, लेकिन उसमें ऐसे सपने आए, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कहीं भूख लगी है, कहीं बड़े परेशान रहे 2 घंटे, उसके बाद जो नींद आई उसमें रात बड़ा आनंद आया। कि यही आनंद आया खाली कि कामनाएं नहीं, सारे दुखों की जननी कामना, इच्छा, ख्वाहिश। तो वेद तो यहां तक कह रहा है कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये सहृष्टता अथ मर्त्यो मृतो भवत् त्यक्त ब्रह्म समस्नुते। अगर कामनाएं कोई छोड़ दे तो बस वो ब्रह्म का आनंद पा लिया उसने, उन्हें कुछ करना धरना नहीं, उपासना 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 कैसी, कुछ नहीं। भागवत जो है और आगे बढ़ गई, वो कहती है भगवत वाय कल्पते, अगर कामनाओं को कोई छोड़ दे तो भगवान के समान हो जाएगा। सभी ग्रंथ एक स्वर से कहते हैं भ्याय कामान व्यक्रमान कुमार चरति निष्प्रिया, गीता वगैरह सभी ग्रंथों का एक सिद्धांत है कामना छोड़ दो। अरे भाई, तो कामना छोड़ दे तो मन तो बिना वर्क के नहीं रह सकता, हाँ, तो फिर कामना छोड़ के करें क्या, हो तो बताओ। तो उसके लिए फिर वेद मंत्र ने कहा कि उपासते पुरुषम येज कामा, मैं कामनाओं को छोड़ने का जो कह रहा हूं उसका मतलब ये है कि कामनाओं को छोड़ दो और भगवान की उपासना करो। भजिय राम सब काम बिहाई, सब कामनाएं छोड़कर और भगवान का भजन करो। सर्वाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते, भक्ति की परिभाषा ही यही बनाई गई, सब प्रकार की कामनाओं को छोड़ दो फिर भक्ति करो। है तो कव्य रहिता गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम नारद भक्त। हर ग्रंथ हर संत एक ही बात बोल रहा है, कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करो। क्यों? अरे भाई, उपासना का मतलब क्या है? उपासना माने मन से भगवान की कामना। जैसे संसार की कामना करते हो, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी बीबी, ये कब देखेंगे उसको, कब उसका आलिंगन करेंगे, कब रसगुल्ला मिलेगा, कब खाएंगे, कब आगरा जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, ये जितनी इंद्रियों की कामना संसार संबंधी करते हो, यही कामना इसी प्रकार की भगवान के लिए जो करता है उसी को तो उपासना कहते हैं। कब श्याम सुंदर को देखेंगे, कब वो बोलेंगे, कब हमारा आलिंगन करेंगे, अरे यही कामना जो संसार में आप कर रहे हो, उधर करने लगे, उसी का नाम उपासना, भक्ति, कुछ भी कह दीजिए। तो संसार की कामना अगर आप नहीं छोड़ते तो भगवान की उपासना और किस मन से करेंगे, मन को एक ही है, उधो जी मानना भय 10-20, अरे 10-20 मन तो है नहीं कि एक मन संसार की कामना करेगा, एक मन भगवान की कामना करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। युपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम, मन एक समय में एक ही वर्क कर सकता है। तो कॉमन सेंस से भी ये बात समझ में आती है कि हाँ भाई, कामना अगर संसार की नहीं छोड़ेंगे
तो फिर भगवान की उपासना बनेगी कैसे? फिर तो एक्टिंग होगी। कामना संसार की है और एक्टिंग में हरे राम बोल रहे तो वो तो उपासना नहीं है। क्योंकि उपासना का मतलब मन का लगाना, लगाव, इंटरेस्ट, रुचि हो, प्यार हो, वो उपासना है। उपासना शब्द का अर्थ है मन का भगवान के पास जाना। उप उपसर्ग है, आस धातु से लु प्रत्यय होकर अन होकर के उसके उपासना शब्द बनता है, जिसका अर्थ है पास जाना। मन भगवान के पास जाए और मन संसार के पास हो, और बाणी से आप भगवान का नाम ले, गीता भागवत रामायण पढ़े या कान से सुने या हाथ पैर से चारों धाम घूमे, तो ये तो उपासना नहीं। ये तो जीरो में गुणा कर रहे हैं आप। तो जीरो में लाख से भी गुणा करेंगे तो उत्तर में जीरो आएगा। वो गुणा करने का कष्ट और भोगना पड़ा। तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करो सो पाए ही पै जानिबो करम फल भारी भारी वेद परोसो। जितनी भी साधनाएं अगर ठीक ठीक न हुई तो जो श्रम फल निफरोसो नाही न आवत आन भरोसो। बोले पत्रिका, परिश्रम का फल परिश्रम। तेषाम असौ क्लेशालयेव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। जैसे चावल का ऊपर का छिलका होता है, भूसी कहते हैं, उसको कोई दिन रात कूटे जाए, अरे क्यों मेहनत कर रहे हो, चावल निकालेंगे, अरे चावल निकल चुका, उसमें क्या चावल निकलेगा, मूर्ख निरर्थक परिश्रम कर रहा है। तो उसी प्रकार अगर मन संसार के पास है तो फिर भगवान की उपासना कहां हो रही है, तुम धोखे में हो। तुमको धोखा है और बहुत बड़ा धोखा, और न करते ये तो अच्छा था, ऐसी उपासना से उपासना न करना अच्छा। क्यों? अरे नथिंग से समथिंग अच्छा होता है। अरे समथिंग नहीं है, नथिंग के भी नीचे है। क्यों? इसलिए कि तुमने मन तो लगाया नहीं और चारों धाम घूमा है। हाँ, और पंडित जी ने तुम्हारे ये बताया है कि चारों धाम जो कर जाता है उसको मोक्ष मिलता है। हाँ, तो तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठ गया, तो मोक्ष पक्का है, तो इसका परिणाम क्या होगा, और मक्कारी करोगे तो आजाद हो गए, निर्भय हो गए, वो रही सही दीनता भी छिल गई कि मैं पापी हूं, अधम हूं, गुनहगार हूं, भगवान के आगे ये प्रार्थना करूं कि हमको कुछ दो, कुछ कृपा करो, बचाओ, ये भावना भी गई है। चारों धाम किए हैं, क्या समझते हैं आप? भागवत का सप्ताह पंडित जी को बुला के और 2-4 हजार खर्च करके सप्ताह सुन लिया, इसलिए हम भी परीक्षित हो गए। अब हमारा जो उद्धार कंपलसरी पक्का श्योरिटी से होगा। ये झूठ मूठ का रोग और पैदा कर लिया। आजकल लोग सुनते हैं ना भागवत का सप्ताह, ये मजाक बना रहे हैं। मजाक से कहते हैं भगवान का मजाक, ग्रंथों का मजाक। सब बड़े बड़े समझदार गृहस्थी क्या है, तो भागवत सप्ताह सुन रहे हैं। अरे भागवत के एक श्लोक का अर्थ तुम्हारे पंडित जी तो जानते नहीं, तुम क्या समझोगे भागवत को, और वो भी 7 दिन में। अरे उससे मतलब नहीं है, वो तो श्लोक पढ़ते रहते हैं पंडित जी, हम बैठे रहते हैं। तो परीक्षित ने ऐसे ही सुना था। परीक्षित ने इसी प्रकार सुना था भागवत। ये गीता के 18 अध्याय तुमने सुन लिए 18 घंटे में। हाँ सुन ली। तो अर्जुन को तो ज्ञान हो गया था, तुमको क्या हुआ? हमको क्या हुआ, हमको मरने के बाद होगा।
हम आए, पंडित जी ने कहा मरने के बाद सब इकट्ठा मिलेगा, सब जमा हो रहा है तुम्हारा सब किताब सब पक्का। इतनी जहालत है हमारे देश की। तो ये सदा याद रखना है कि उपासना शब्द का अर्थ ही है मन का भगवान के पास जाना। कितनी दूर गया, कितनी दूर गया कि कोई सफर है, मान लो यहां से लखनऊ 100 मील, किसी का मन 1 मील गया, किसी का 10 मील गया, किसी का 50 मील रायबरेली तक पहुंच गया, किसी का 80 मील पहुंच गया। लेकिन उस तरफ चले तो, और तुम तो इलाहाबाद की तरफ जा रहे हो, कहते हो मैं चल रहा हूं जी, आखिर मैं चल रहा हूं लगातार, तो ऐसा कैसे है कि लखनऊ नहीं आएगा? अरे किधर चल रहे हो? हाँ ये तो सोचे ही नहीं किधर चल रहे, बस चल रहे। साइड का तो विचार ही नहीं किया, मटेरियल साइड है कि स्पिरिचुअल साइड है, बस चलने से मतलब है। भाग रहे, किधर जाना है ये समझने का समय नहीं, बस भागना है, जल्दी आनंद मिल जाए, जल्दी शांति मिल जाए। कोई बाबा जी आए, एक प्रश्न, महाराज जी शांति नहीं है। शांति, शांति कोई बाजार में बिकती है रसगुल्ला है या महाराज जी की जेब में तुमको दे दे शांति? अरे जो साधना बताई जाती है तुम तो उसका उल्टा करते हो, उल्टा। देखिए एक कर्मयोग सुना होगा आप लोगों ने, हजारों बार सुना होगा, हमारे बच्चों से भी सुना होगा प्रवचन में, भगवान में मन रहे और संसार का वर्क हो, यही है ना कर्मयोग, जो अर्जुन से कहा है श्री कृष्ण ने, सर्वे सुकाले सुमा मनुस्मर, निरंतर मन मुझ में रख, अयोध्य च अयुद्ध कर। युद्ध वर्क हो गया फिजिकल और मन भगवान में रहे। हम लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं, मन संसार में रहे और भगवान संबंधी कर्म कर। मन संसार में अटैच है, मां से प्यार, बाप से प्यार, भाई से प्यार, बीवी से प्यार, बच्चों से प्यार, प्रॉपर्टी से प्यार, ये यहां मन है। सर्वेषु कालेषु संसार में अटैच्ड है। और युद्ध चा जो संसार के लिए कहा गया उसको लागू करते हैं भगवान में। भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, तीर्थ करो, सब कुछ करो, बहुत सारा कर, खाली मन वहां मत दो। मन तो अपने एरिया के लिए, और भगवान कहते मुझे केवल मन दे दो बाबा, तुम संसार का सब वर्क करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं, तुम्हारा संसार खराब नहीं करते हैं, सब वर्क करो। इसलिए इस पॉइंट पर सदा ध्यान देना है कि जैसे यहां आप लोग साधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन ये क्या है? कीर्तन भगवान का गुणानुवाद, भगवान का नाम। तो इसके साथ साथ भगवान का भी तो ध्यान करो, तब तो भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान का गुण गा रहे हो, वरना तो काका काका का उच्चारण कर रहे हो, ये उपासना कहां होगी? जो कुछ मुंह से बोले, इसके लिए एक ब्रह्म सूत्र बना दिया, योग दर्शन में एक सूत्र है, तत्जपस तदर्थ भावनम। पतंजलि ने एक दर्शन शास्त्र अपना बनाया है पूरा योग दर्शन, उसमें एक सूत्र बना दिया तत्जपस, जप करना है तुमको अपने इष्ट देव का, लेकिन तदर्थ भावनम, मन को भी ले जाना है इष्ट देव में, खाली जपा नहीं, नहीं तो फिर उसके लिए तो वो कानून आ जाएगा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा। बड़ी बड़ी चीज भी कर डालो तो भी 0/100 मिलेगा, क्योंकि मन तो भगवान के पास गया नहीं, और बिना पास गए उपासना नहीं। तो ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं कि कामना को छोड़ दो,
फिर उपासना करो, क्योंकि मन से ही संसार की कामना करते हो और मन से ही भगवान की कामना करना है, और मन एक समय में दोनों कामना नहीं कर सकता। बड़ी सीधी सी बात है, गले की अकल से भी समझ में आ जाए। ठीक, तो संसार की कामना को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा ये भी बता दिया गया, लेकिन फिर शास्त्र वेद ये क्यों कहते हैं कि राम भजन बिनु मिटही न कामा, फल विहीन तारु का बहु जामा। अरे साहब, क्या आप भी बात करते हैं, बिना भगवान की उपासना के कामना जाएगी? इम्पॉसिबल, ये कामना नहीं जा सकती। भगवान की उपासना करोगे तो भगवत कृपा से कामना मिटेगी, बिना उपासना के कामना नहीं जाएगी। हम पहले कामना छोड़ दें उसके बाद उपासना करें, ये क्या पागलपन की फिलॉसफी? हाँ, ये भी ठीक बात लगती है कॉमन सेंस से, कि भाई जब भगवान की उपासना नहीं करेंगे तो संसार की कामना तो तमाम जन्मों की है, वो चली कैसे जाएगी? कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि भाई ये तौलिया है, ये हाथ में है, इस तौलिया को फेंक दो तो ये पत्थर हाथ में ले लो, ये पत्थर रखा है, ये तौलिया है हाथ में। अब एक कहता है कि इस पत्थर को हाथ में ले लो, तौलिया अपने आप अलग हो जाएगा। एक कहता है तौलिया छोड़ दो, फिर पत्थर हाथ में आएगा। ये दो विरोधी बात बड़े बड़े विद्वानों को, सरस्वती बृहस्पति को भी परेशान कर रही है शास्त्रों में, क्योंकि ये दो विरोधाभास की बातें, और कॉमन सेंस से भी कोई नहीं समझ पाता इन बातों को, और समझना आवश्यक है, लेकिन आज नहीं फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।